अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिलाल अहमद, आप देख रहे हो एबीटेक 99 चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़ों में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ iPhone SE 2020 पबजी मोबाइल में HDR प्लस एक्सट्रीम, वो भी सिर्फ 35,000 रुपया में। तो भाई लोग, अगर आप आईफोन यूजर है, आईफोन के ऊपर खेलना चाह रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। R2, R3, R5 वगैरह से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि एंड्रॉयड जो भी एंड्रॉयड फोन है वो आईफोन के मुकाबले में जो इसकी कैमरा रिजल्ट है, इसकी वीडियोज वगैरह, इसकी जो फीचर है वो आईफोन की बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, इसकी कीमत है सिर्फ 35,000 रुपया नॉन पीटीए। इसमें इसके अंदर जो है सिम नहीं चलेगा भाई, इसकी सिम ब्लॉक होगा, क्योंकि पीटीए की तरफ से इसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स है। पहले इसके ऊपर था तकरीबन 20,000 रुपया इसका टैक्स था, लेकिन अभी जो है इसकी जो टैक्स के तकरीबन वो 50 से शायद 1,00,000 तक भी पहुंचा है तकरीबन। मैंने अभी नहीं देखा, अभी इससे भी ज्यादा होगा, तकरीबन 1,00,000 तक होगा। लेकिन अगर आप नॉन पीटीए लेना चाह रहे हो तो नॉन पीटीए आपको मिल जाता है 35 तक, 30 से लेकर 35 तक आपको मिल जाता है। आप जनरल यूज के लिए बाय करना चाहते हो तो ये जनरल यूज के लिए बिल्कुल बेस्ट है। 11 प्रो मैक्स की तरह आपको पोर्ट्रेट दे देता है इसकी जो कैमरा है, और जो इसके अंदर आपको स्पीड जो देखने को मिलता है, स्पीड इसके अंदर आपको 13 बयानिक है। आईफोन 11 प्रो मैक्स के अंदर इसकी चिप है, तो इसकी जो भी आपने चलाना है, इसके अंदर एप्स वगैरह या वीडियो सेव करना होगा या इसके अंदर एडिटिंग करना है, तो आपको 11 प्रो मैक्स की तरह इसके अंदर स्पीड मिलेगा, क्योंकि इसकी जो चिप है वो 11 प्रो मैक्स की भी अंदर आपको 13 बयानक मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको 13 बयानक चिप मिलेगा। बाकी इन दोनों में जो फ़र्क है, रैम की जो फ़र्क है, इसके अंदर आपको 3 GB रैम मिलेगा, और जो 11 प्रो मैक्स है इसके अंदर आपको 4 GB मिलेगा। इसी तरह जो GPU है, GPU इन दोनों की बिल्कुल सेम है। 11 प्रो मैक्स में भी आपको 4 core ग्राफिक्स जो है GPU मिलेगा, और इसके अंदर भी आपको 4 core ग्राफिक GPU मिलेगा। GPU जो है इसकी दोनों सेम है, जो ग्राफिक्स आपको दे देता है। जो स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज आप को मिल जाता है 128, 64 GB, 256। इसके अंदर सिर्फ आपको 3 GB स्टोरेज मिल जाते हैं, 64 GB, 128 GB एंड 256 GB। तो भाई लोग, मैंने आपको जो iPhone SE 2020 की जो कुछ डिटेल्स था मैंने आपको सामने रख के आपको बता दिया है। जो भी आपको पूरी डिटेल देखना है आपको इंटरनेट में बिल्कुल मिल जाएगा, अवेलेबल है, आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेकिन इसकी जो मैं गेम प्ले है, मेन मकसद मेरा ये था कि मैं आपको इसकी गेम प्ले चेक कर दूँ। मैं आपको जो गेमिंग के लिए जो सजेशन डिवाइस है मैं आपको जो सजेस्ट करूँ, तो ये बिल्कुल बेस्ट डिवाइस है प्राइसेस के लिहाज से, और जो पबजी के लिए बिल्कुल बेस्ट है। इसकी आप ग्राफिक्स आपके सामने है, HDR एक्सट्रीम के ऊपर मैं खेल रहा हूँ, आप बिल्कुल आप इसकी ग्राफिक्स चेक कर सकते हो, कैसे धुआं निकल रहा है भाई गोली मार के, जब आप नजर आते हैं मजा आ जाता है जब आप इसके ऊपर खेलते हो। तो भाई इसके ऊपर मैं नहीं कह सकता, मैं ज्यादातर आईपैड पे खेलता हूँ, तो ये आपके सामने है। बाकी जो भी आपकी साइज पे मैटर करता है, जो भाई फोन पे खेलता है फोन के ऊपर खेल सकते हो, ऐसे लोग भी है जो आईपैड के ऊपर आप बिल्कुल इसकी जो गेम नहीं कह सकता, तो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट डिवाइस। तो भाई लोग, ये था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा सा जो है मैं इसके ऊपर खेल चुका हूँ, आप इसके जो ग्राफिक्स है आपके सामने है, तो मैं अपना वॉइस ओवर को क्लोज करता हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर खेल चुका हूँ, मैं आदत नहीं है इसके ऊपर, मैं ज़्यादातर आईपैड पे खेलता हूँ। खैर, मैंने आपको इसकी जो ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ बता दिया है, और प्राइस मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये आपको मिल जाएगा पाकिस्तान में नॉन पीटीए 30 से लेकर 35 तक आपको 64 GB मिल जाएगा, और जो पीटीए वाला आपको मिल जाता है वो आपको 60 से लेकर 64 तक आपको मिल जाता है पाकिस्तान में।
loading.